हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर पायल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ओके तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था वी हैव डिस्कस फ्यू टर्म्स ऑन कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टर्म्स को जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ओके नेक्स्ट वी हैव इज योर कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ एटम

तब तो ये बात बोलना डायरेक्ट ठीक है कि ओके नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल आइटम उतना हमारे पास क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बट इफ द लीगेंड इज डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड है हमारे पास पॉलीडेंटेड है तो वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर एक एग्जांपल लेते हैं हम फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है CO NH3 6 ठीक है अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो यहाँ पे लीगेंट कितने अटैचड है एन एच है हमारे पास कितने हैं हमारे पास सिक्स है एनएच जो लीगेंट है आपके पास बेटा दैट इज वॉट मोनोडेंटेड लीगेंट है अगर ये मोनोडेंटेड लीगेंट है हमारे पास तो कॉर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया इस केस में दैट इज योर सिक्स डायरेक्ट ठीक है अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज योर सी ओ एन ट्वाइस ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं हम

वी हैव अ फ्यू लिगेंड्स जिनके मैंने यहाँ पे चार्जेस वगैरह सब मैंशन है आपके पास यू हैव टू लर्न दीज ओके हमारे पास वी हैव अ न्यूट्रल लिगेंड्स हैल वी हैव अ लिगेंड्स विद माइनस वन चार्ज माइनस टू चार्ज ओके वी हैव लाइक अमोनिया अमोनिया का नाम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट अ आई यू पी सी नेम्स ओके वी हैव अमाइन एक्वा कार्बोनाइल पिरोडीन देन वी हैव योर माइनस वन में फ्लोरीन फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो तो ये और इनके चार्जेस के बारे में हमें पता होना चाहिए ऊपर क्या चार्ज आता है किसके ऊपर कौन सा ऑक्सीजन चार्ज है ऑक्सीजन नंबर है ओके okay, तो इसी के बिहाफ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज युलेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आइटम अब देखो फो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे हमें दिया है वी है एफ सी एन सिक्स ठीक है वी हैव अ FeCN6 4 नेगेटिव अब हमें बोला है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम अब इतना तो सबने रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी निकालते हैं वी टेक एट इट एज अ x प्लस कितने CN कितने हमारे पास वी हैव अ 6 CN CN के ऊपर चार्ज क्या होता है देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको करवाया कि साइनाइड है तो साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या आता है हमारे पास दैट इज योर -1 तो कितना है हमारे पास -1 ओके okay, एंटिटी के ऊपर जो भी होगा दैट इज गोइंग टू इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू इक्वल्स टू तो मतलब आयरन के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या है वॉट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज योर टू लेट्स एक हैव योर ये भी ले 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 जुमने पीछे सीखा दट सी ओ एन एच थ्री सिक्स थ्री पॉजिटिव अब क्या हो जाएगा वी ना तो प्लस एन एच थ्रीट न्यूट्रल लिगेंट कि हमारे पास चार्ज क्या है जीरो तो यह हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा इट इज योर हाउ देयर सिक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो सो द चार्ज इज योर वॉट ऑक्सीजन नंबर क्या गया बेटा दैट इज योर प्लस थ्री सिंपल एज दी एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल वी हैव अजी एन एच थ्री अच्छा ये तो चलो सेम हो जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं हम ओके फॉर एग्जाम्पल वी हैव निकल सी ओ फोर ठीक है अब नाउ सी सी ओ इज योर वॉट कार्बोनाइल इसके ऊपर हमारे पास क्या है सीओ के ऊपर न्यूट्रल इगेंट है ना तो चार्ज क्या होगा जीरो टेक प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो इट इज वॉट जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू वर्ड जीरो देयर इज नो चार्ज ओवर निकल तो सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज योर जीरो ओके ओके तो हमने अभी क्या किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर डेंटिसिटी मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ लिगेंड्स देन यू नीड टू लर्न दीज द चार्जेस ऑफ दीज देन वी हैव नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर ओके Okay, then next we have is your effective atomic number. To calculate the atop, effective atomic number, we have a simple formula that what is whatever is the atomic number of metal, then we have is your minus oxidation state plus 2 multiplied by coordination number. We know how to calculate the coordination number, we also know how to calculate the oxidation state. Okay, so basically, effective atomic number that represents the total number of electrons surrounding the nucleus of metal atom in a metal complex. ठीक है? तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज व्हाट शॉर्टकट्स में भी अगर आपको लर्न है बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट लर्न है बहुत अच्छी बात है बट आपको लर्न करना ही पड़ेगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है शक्ति वक्रम फी को निकुंजन So the atomic number of scandium 21, titanium 22, vanadium 23, chromium 24, is 25, iron 26, cobalt is your 27, nickel 28, copper 29, and then we have your zinc that is 30. So what is the atomic number? That is 28 minus let's calculate the oxygen state vaccine. So we have to calculate here that is 0, but let's calculate again. We have this X plus how many carbonylate there for? Multiply by 0, there is no charge. So x is equals to what? 0. So the oxidation state is going to be your what? 0 plus 2 multiply by your what? Coordination number. And the coordination number, how many carbonyl are there for? It is not your didentate or polydentate ligand. There is only one donor site. So it is your 2 multiply by 4. So it is what? 28 minus 42 to 8. Then it is your 20. okay Oh, sorry, uh huh. ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28 0 दैट इज योर प्लस प्लस करना है ओके okay. हाँ मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया ओके सो वी हैव 28 8 दिस इज योर 16 एंड द आंसर इज योर 36 ठीक है सेम इसी तरह से हम क्या है नेक्स्ट रिकॉर्ड का ईएन कैलकुलेट कर लेते हैं लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी हैव इज योर एफ ई सी एन 6 3 नेगेटिव चलो

आ गया हमारे पास द टोटल इज योर ओके वी हैव हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर इज वी हैव 26 प्लस एंड मल्टीप्लाई बाय वन साइनाइड कितना है हमारे पास सिक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा हमारे पास अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ई एन ऑफ एफ ई सी एन कैलकुलेट कर लो वी हैव इज योर है ट्वेल्व एंड दिस इज योर आंसर ठीक है तो इट इज़ वेरी बेसिक सर टॉपिक है हमारे पास की इफ़ बस आपको फॉर्मूलाज इसके लिए भी याद रखना है कॉर्डिनेशन नंबर के लिए भी कैलकुलेट करना और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको चार्जेस पता होने चाहिए ओके बेटा सो नेक्स्ट वी हैव इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलिहाइड्रन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन क्या है बेटा इट इज टर्म दैट हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ज्योमेट्री डिजाइन और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लीगेंट जो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ सेंट्रल मेटल के साथ मोस्टली जो हम देखेंगे दैट इज योर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर मतलब सी इफ वी हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 ना वी आर गोइंग टू गेट व्हाट टू जोमेट्रीज दैट इज योर टेट्राहेड्रल मिल जाएगी और हमें कौन से मिल जाएगी आपके पास स्क्वेर प्लानर ठीक है दोनों ड्रॉ भी कर लेते हैं हम और इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज योर बेटा तो ऑब्वियसली बात है ज्योमेट्री कौन से मिलेगी हमें ऑक्टाहाइड्रल तो हमें कौन बता रहा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन के किस तरह से कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग बता दो मान लो वी हैव अ मेटल एंड वी हैव अ फोर अंस टू सी द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ऑर टेट्राहेड्रल के लिए फोर हेड्स वन टू थ्री एंड फोर सो द ज्योमेट्री इज वॉट योर बेटा इट इज योर ठीक है स्क्वायर प्लानर भी बना देते हैं तो दिस इज योर व्हाट मेटल के साथ देयर आर फोर लीगेंट एंड द ज्योमेट्री इज योर व्हाट इट इज योर स्क्वायर प्लानर नेक्स्ट वी हैव इज योर व्हाट ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट सिक्स तो मतलब कि कितने अटैच्ड है देयर आर सिक्स लीगेंट्स अटैच्ड ठीक है अगर ये तो मोनोडेंटेट है तो मोनोडेंटेट में तो डायरेक्ट बना दो वन टू व्री फोर एंड

Okay, thanks for watching and have a good day.